गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, गोल्ड प्लस भारत का दूसरा सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास निर्माता और आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी। कहा जा रहा है कि उसने भारत में अब तक की सबसे बड़ी फ्लोट ग्लास क्षमता विस्तार की योजना बनाई है। फ्लोट ग्लास बहुत स्मूथ डिस्टॉर्शन फ्री ग्लास है जो कई विंडो एप्लीकेशंस में उपयोग किया जाता है। यह ग्लास के कई अन्य रूपों के लिए सामग्री भी प्रदान करता है जिसमें टिंटेड ग्लास और लैमिनेटेड ग्लास शामिल हैं। कंपनी ने दो फ्लोर ग्लास लाइन और एक सोलर ग्लास लाइन निर्माण की योजना की पुष्टि की है। कंपनी ने 7 लाख मीटर ट्रिक टन के सबसे बड़े क्षमता विस्तार की योजना बनाई है। गोल्ड प्लस एकमात्र भारतीय स्वामित्व वाली फ्लोट ग्लास निर्माता कंपनी है और वर्तमान में उत्तराखंड के रूड़की में 2 फ्लोट लाइनें हैं, जिनकी सालाना क्षमता लगभग 4,60,000 मीटर ट्रिक टन है। रूड़की में इसकी सुविधा 100 एकड़ में फैली हुई है। कंपनी के पास उच्च मूल्य के ग्लासेस जैसे कि टफेंड, लैमिनेटेड, इंसुलेटिंग, सेरामिक प्रिंटेड, अकूस्टिक, बुलेट प्रूफ और ऑटोमोटिव जैसे उत्पादों को पूरा करने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट भी है। भारत में निर्मित स्पष्ट फ्लोट ग्लास के लिए ISI प्रमाणन प्राप्त करने वाला गोल्ड प्लस पहला कंपनी है। कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे सेंट गोबेन, असाही ग्लास और गुजरात गार्डियन ग्लास के साथ कम्पीट करती है। कहा जा रहा है कि कुल परियोजना परिव्यय 2200 से 2300 करोड़ रुपए है और कंपनी भूमि आवंटन और पूंजी राजस्व सब्सिडी के लिए कम से कम 2 दक्षिणी राज्यों के सरकारी अधिकारियों के साथ पहले से ही चर्चा में है। कंपनी अगले 2 से 3 महीनों के अंदर राज्य और भूमि पार्सल को फाइनलाइज करेगी। प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता विस्तार से कंपनी को सालाना 3000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। कंपनी अपने नियोजित विस्तार के हिस्से के रूप में सोलर ग्लास विनिर्माण लाइनें भी स्थापित कर रही है। सोलर ग्लास का उपयोग सौर पैनलों में किया जाता है जो बिजली का उत्पादन करते हैं। वर्तमान में बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड देश का एकमात्र सोलर ग्लास निर्माता है। विस्तार को आंतरिक अभिवृद्धि, इक्विटी बढ़ाने और ऋण के मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित करने की उम्मीद है। इक्विटी बढ़ाकर लगभग 600 करोड़ रुपए होने की संभावना है और फंड बढ़ाने में कंपनी की सहायता के लिए KPMG को नियुक्त किया गया है। कंपनी पहले से ही विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी द्वारा समर्थित है। उन्होंने 2018 में 400 करोड़ भारतीय रुपए का निवेश किया था।